बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार से स्नैक्स। आज हम आपके लिए बनाएंगे आलू और राइस के स्नैक्स, बहुत ही एक यूनिक तरीके के साथ, मज़ेदार सा तरीका आजमाएंगे आज, तो बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये मज़ेदार से आलू और राइस के स्नैक्स। चलिए जी शुरू करते हैं बनाना मज़ेदार से यूनिक तरीके के साथ स्नैक्स। तो उसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं कि हमें 3 अदद आलू चाहिए। आलू हमने बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करने के बाद हमने इनको इस तरह कद्दूकस कर लेना है। सारे आलूओं को हमने इसी तरीके से मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। उसके बाद हमने जो है इसके साइड पे रख देना है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुके हैं। और ये हमने आधा घंटा राइस जो है वो गीले करके भिगो के रखे हुए थे ताकि ये फूल जाए, नरम हो जाए। तो ये तकरीबन जो है वो नरम हो चुके हैं। अभी पानी हमने खुश कर लिया, ये पानी हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको साफ करके हमने डालना है, कोई भी चावल हमने ज़ाया नहीं करना। और ये मेरे पास है 3 मिर्चें हमने बारीक काट ली है, वो इसके अंदर ऐड करनी है। और लहसुन के 7 से 10 जवे लहसुन के हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और हमने इसके अंदर जो है वो बैंडिंग के लिए हमने डालना है 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन हमने इसके अंदर ऐड करना है, और हमने जायके के लिए 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करना है, और 1/2 टेबलस्पून हमने मिर्चें ऐड करनी है, और 1/2 टेबलस्पून हमने हल्दी ऐड करनी है। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी लुक क्या आती है। देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, ये एक डो की शक्ल में तैयार हो चुका है। अभी हम इसके स्नैक्स तैयार करते हैं। तो हाथों को हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया है, इस तरह हमने सिलेंडर शेप में हमने इसका बना लेना है, स्नैक्स बना लेने हैं। तो इसी तरह हमने सारे बना के रेडी करने हैं और हमने फ्राई करना शुरू कर देना है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसके अंदर इस तरह फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आप, हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये सारे फ्राई हो जाए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर जो है वो हमारे स्नैक्स पे आ चुका है। इसी तरह हमने सारे को पका लेना है और मज़ेदार सा कलर इनका ले आना है। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक तरीके के साथ ये रेसिपी है, और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर आया है, और बिल्कुल ये क्रिस्पी क्रिस्पी रेडी हो चुके हैं। आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, नाश्ते के साथ खा सकते हैं, किसी भी टाइम आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये देखें जनाब, मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी, अंदर से जूसी, मज़ेदार से ये स्नैक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी ये वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।